नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री संतोष कुमार ने अपने ही सहयोगी दल बीजेपी पर लाउड स्पीकर के नाम पर चेहरा चमकाने का आरोप लगाया है। हम पार्टी के कोटे से मंत्री बने संतोष कुमार ने नीतीश सरकार की स्थिरता के साथ 5 साल पूरे करने का दावा किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारी पार्टी का गठन हुआ है, हम लोग का नारा था कि सभी गरीबों को हम लोग ये करते हैं। गरीबों में की बात जब हम करते हैं तो सभी समुदाय के लोग आते हैं, और निश्चित तौर पर पिछड़े जो लोग हैं, खास करके दलित जो हैं, वो गरीब होते हैं। तो उनको आगे करने के लिए उनको कैसे राजनीतिक रूप से हम सशक्त कर सकते हैं, कैसे उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम करते हैं। और उसी सिलसिले में हर जगह, चाहे बिहार का भी बात हो, किसी दूसरे स्टेट में भी हम लोग जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वहाँ से कुछ ऐसा लीडरशिप निकले जो पिछड़े का हो, जो गरीब का लीडरशिप हो, जो आज तक उनको कहीं पर रिप्रेजेंटेशन किसी पार्टी में नहीं मिला है, और कहीं पिछड़ गए हैं, उनके अंदर काबिलियत है, ऐसे लोगों को आगे करके हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। कोई पार्टी के वो नहीं है कि कोई इस रैंक में है, इस फाइल में है तो उसका हायरार्की है, तो उससे बात नहीं। हम लोग एक जगह बैठ के परिवार की तरह काम करते हैं, ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और उनको भी एक भारत के नागरिक हैं, और उनका भी अधिकार वही है जितना अधिकार बड़े लोगों को है। तो उनके अंदर आएगी निश्चित तौर पर, जब उनके अंदर राजनीतिक भावना आएगी, राजनीतिक भावना जब आने से वो स्ट्रांग होंगे, तो निश्चित तौर पर सबका विकास होगा, नहीं तो फिर वही गैप रह जाएगा, अमीर गरीब की गैप। बिहार में देखिए, एनडीए की सरकार है, और पूरी मुस्तैदी से और पूरी हम लोग बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार है, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बातें आती रहती है, कुछ लोगों के द्वारा बोल दिया जाता है, ये मीडिया का सगुफा भी हो सकता है। हम समझते हैं, हम उस बिहार सरकार में मंत्री हैं, और हम जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कोई परेशानी नहीं है। एनडी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, हम मिल करके चल रहा है और मजबूती के साथ है, और हम लोग 5 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में वहाँ की सरकार चलेगी, और एक अच्छी सरकार चल रही है। पहले भी उन्होंने एक अच्छा सरकार और एक शांति का माहौल बनाया, बिहार में विकास की बात की, आज भी हम लोग उस राह पर आए सर। ऐसा कोई बात नहीं है कि पार्टी कमज़ोर हो रही है। देखिए, चुनाव में ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ सीटें कम आई हैं, लेकिन पार्टी कहीं ना कमज़ोर है। जो एक गठबंधन के तौर पर हम लोग वहाँ कर काम कर रहे हैं, एक जदयू की सरकार नहीं है वहाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड, और हम मिलकर एनडीए की सरकार है, और एनडीए अपने आप में बहुत मजबूत है, और एनडीए का कोई विकल्प बिहार में नहीं। हमारी पार्टी इन बातों पर नहीं जाती है। सभी धर्म और सभी संप्रदाय, जितने भी लोग हैं भारतवर्ष में, सभी को अधिकार है अपने हिसाब से काम करने के लिए। इस पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं, और दिन है दिन की बात है, अपनी बात करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ नेता लोग हैं, इस तरह की बात कर करके अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हम का सवाल है, हम इन बातों में विश्वास नहीं करता है। सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी लोगों का सम्मान करता है, सभी का अधिकार है इस राज्य में, इस देश में अपने तरीके से रहने का, अपने तरीके से धर्म को पालन करने का। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती दखन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।